इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के प्रथम पाठ ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, आप नोट करते चलिए, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? विकल्प है अलेक्जेंडर कनिघम, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एस आर राव। बताइए सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, अलेक्जेंडर कनिघम। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई? विकल्प है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। दूसरे का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा नहीं मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या बनावली। तीसरे का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, जो लोथल है वहां पर जो दुर्ग है दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, सही उत्तर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विकल्प है हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। चौथे का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या चान्हुदड़ो। बताइए बच्चा, पांचवे का सही उत्तर क्या होगा, शिल्प उत्पादन का बताना है, चान्हुदड़ो। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक लगा लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लिए। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, गुजरात में लोथल है। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, सिंधु, भोगवा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? लोथल, कालीबंगा, कर्नाटक, खेतड़ी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कर्नाटक, कर्नाटक से उन्हें प्राप्त होता था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो आपने सुना होगा लोथल बंदरगाह, ठीक है, ए उत्तर सही होगा बच्चा। बारहवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं मिलता है? मेसोपोटामिया, चीन, अफगानिस्तान या ईरान। ग्यारहवें का सही उत्तर डी होगा, चीन के साथ यहाँ संबंध नहीं मिलता, क्योंकि मेसोपोटामिया है, अफगानिस्तान है, ईरान भी, लेकिन चीन से संबंध नहीं था। बारहवां प्रश्न यहाँ पर है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। बताइए, तो काली रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए हल खेत का प्रमाण यहाँ पर होगा कालीबंगा। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो, लोथल, सोर्तघई या धोलावीरा। तेरहवें का सही उत्तर सी होगा, सोर्तघई से। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। सही उत्तर बी होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? या दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, या बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर।
तो बच्चा यहाँ पर यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। आप इसमें ऐसे चलता था, दाएं से बाईं ओर उल्टा चलता था, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए, और इसी तरह की क्लासेस आपको भारतवर्ष क्लासेस पर लगातार मिलेगी। उसके लिए आप यहाँ पर भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अति लघु पर उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो नोट करेंगे यहाँ पर इसके आंसर में, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टिन धातुओं को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं, इस कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। नोट करते चलिए बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पर लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन क्रिस्टल, सैल खड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्ट्ज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातु का उपयोग किया जाता था। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सिंधु घाटी के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं, और यहाँ पहला है सोरतुगई और दूसरा है धोलावीरा। नोट कर लीजिए, सोरतुगई और धोलावीरा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध किन किन देशों से थे? तो हमने इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी किया। लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसमें लिखेंगे, हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे, और दक्षिण भारत में भी कर्नाटक से। यहाँ पर अच्छा रहेगा, किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? तो यहाँ पर लिखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदड़ो यानी सबसे बड़ा स्थल। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? तो इसमें लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। हड़प्पा लिपि की दो मुख्य विशेषताएं बताएं। तो लिखेंगे, हड़प्पाई लिपि के दो मुख्य विशेषताएं। पहला, हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है, यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल और बाएं कम जगह है, ठीक है। नोट कर लीजिए। दसवां प्रश्न है, चान्हूदड़ो के लोगों के शिल्पकारियों को लिखें। तो यहाँ पे लिखना है, चान्हूदड़ो के लोग शिल्पकार के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे।
तो ये था चैप्टर 1 का MCQ क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।